अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू डे 37 ऑफ 365 डेज कोडिंग चैलेंज एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट क्लेयर, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लेयर्स क्या है और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। क्लेयर आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ अ फंक्शन टू एक्सेस वेरिएबल्स फ्राम एंड इंक्लोजिंग स्कोप इवन आफ्टर द स्कोप हैज फिनिश एग्जीक्यूटिंग। अब इसका सिंपल मतलब है कि जिस तरह से हम स्कोप के अंदर देख रहे थे कि हमने वेरिएबल लगाई इस फंक्शन के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर, उससे बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन क्लोयर की मदद से हम उसको उससे बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। द कंसेप्ट इज ऑफ्टन यूज टू क्रिएट प्राइवेट वेरिएबल्स और फंक्शन। इसकी मदद से आप कोई प्राइवेट वेरिएबल्स या फंक्शन भी बना सकते हो, एज वेल एज फॉर फंक्शनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। ये जो आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर टेक्निक्स के तौर पे भी हम क्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर की। अब जो नॉर्मल डेवलपर्स हैं या जो हैकर्स हैं, वो उन जो अभी बिगिनर लेवल पे हैं, उन्हें नहीं पता कि वेरिएबल्स कहाँ पे डिक्लेयर किया, उसको हमने किस तरह से एक्सेस करना है। लेकिन जो एक्सपीरियंस डिवेलपर हैं, वो क्या करते हैं कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स लगाई, अब उसको नॉर्मल वे में तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन क्लेयर की मदद से वो क्या करते हैं कि जो आपकी प्राइवेट वेरिएबल्स होती हैं उनको भी एज अ ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं या दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपकी बेस्ट कोडिंग में आती है, बेस्ट जो कोडिंग है आपकी प्रैक्टिसेज हैं उनके अंदर इस चीज़ को फॉलो कराया जाता है। तो आपने इसका जो इस्तेमाल है वो अच्छे से सीखना है। सबसे पहले हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग और बाद में हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे, और क्लेयर के अंदर जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्लेयर को समझने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा ताकि आपको जो क्लेयर है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इस फंक्शन का नाम दूंगा मैं यहाँ पे आउटर फंक्शन, और आउटर फंक्शन के अंदर मैं पैरामीटर पास कर दूंगा आउटर वेरिएबल, आउटर वेरिएबल। अब यहाँ पे मैं रिटर्न एक फंक्शन लूँगा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर अगेन मैं एक फंक्शन ले लूँगा, इस फंक्शन को नाम दे दूँगा इनर फंक्शन, इनर फंक्शन। और इसका अंदर जो पैरामीटर है वो मैं दे दूंगा इनर वेरिएबल, इनर वेरिएबल। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लिए, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा अदर वेरिएबल, बल्कि इसको हम कर देंगे आउटर वेरिएबल, आउटर वेरिएबल। इसको हम प्लस करेंगे और यहाँ पे आउटर वेरिएबल को कॉल कर लेंगे, और सेम इसको कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे इनर जो वेरिएबल्स है उसको प्रिंट आउट करवा देते हैं, इनर वेरिएबल, और यहाँ पे भी इनर वेरिएबल सेव किया। अब दोनों हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे इनर फंक्शन आउटर फंक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे आउटर वेरिएबल्स। अब ये दोनों फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं या पैरामीटर्स हैं उनको हमने कॉल कर लिया। अब सिंपली हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट और आउटर फंक्शन, आउटर फंक्शन सेव किया तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आ गया। क्यों? क्योंकि उनका आइडेंटिफाई आउटर फंक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, क्या आपका जो आउटर फंक्शन है वो पहले से डिक्लेयर हो चुका है। अब इस चीज़ को हम किस तरह से हैंडल करते हो, इसको हम हैंडल करते हैं क्लोयर के साथ। यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लेंगे, इसको हम दे देंगे न्यू फंक्शन, न्यू फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं स्टोर करवा दूंगा आउटर फंक्शन को वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के अंदर, और इसके अंदर हम डाटा दे देंगे इसका आउटर साइड। अब ये जो न्यू फंक्शन आपने वेरिएबल लगाई है, हम इसको नीचे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे गेम में लूँगा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर सिर्फ एक दफ़ा इसको प्रिंट करवाते हैं। सेम किया तो हमारे पास पूरा फंक्शन प्रिंट हो गया। अब मुझे फंक्शन नहीं चाहिए, मुझे जो कि इसकी वैल्यू चाहिए, बस सिंपली न्यू फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा, और न्यू फंक्शन के अंदर जो इनर की वैल्यू वो दे दूँगा इन साइड। अब सेव करूँगा तो मेरे पास आउटर वेरिएबल, आउटर वेरिएबल, आउटर साइड ये वाली चीज़ आ गई, और साथ में मेरे पास मतलब ये डाटा भी आ गया, और साथ में ये इनर साइड वाला डाटा भी आ गया, इसको हम इनर साइड बोलेंगे, इनर साइड। अब ये जो सेकेंड वाली वैल्यू इसके साथ आ गई, और फर्स्ट वाली वैल्यू इसके साथ आ गई, तो हमने एट द सेम टाइम एक फंक्शन के अंदर रिटर्निंग फंक्शन लगाया, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं या उनको कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं वो चीज़ें हमने देख ली। इसे बोलते हैं क्लेयर, कि एक फंक्शन उसके अंदर फंक्शन। अब उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स भी हैं, उन अलग अलग पैरामीटर्स को अलग अलग वैल्यूज़ देनी है, तो हम इस तरह से दे सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा इन डिटेल जाके समझते हैं। इन डिटेल समझने के लिए इसको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ, इसको यहाँ से कट करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं।
अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक हम फंक्शन लेते हैं जिसका हम नाम देते हैं क्रिएट काउंटर, क्रिएट काउंटर। और यहाँ पे हम एक फंक्शन लेते हैं, सबसे पहले एक लेट डिफाइन करते हैं काउंट ज़ीरो, कि आपकी जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो ज़ीरो से। और उसके बाद यहाँ पे रिटर्निंग वैल्यू, रिटर्न के अंदर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और एक इसके अंदर हम देंगे इंक्रीमेंट यहाँ पे। और इंक्रीमेंट के अंदर हम फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे कॉल करके कि काउंट करो इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर एक एक प्लस करा दो, साथ में रिटर्न कर दो काउंट को, रिटर्न और काउंट वे ऊपर वाली वैल्यू उसको रिटर्न कर दो। सेम हम इसके यहाँ पे इनर लगाया, यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे सेकंड यहाँ पे इंक्रीमेंट, और दूसरे पे हम कर देंगे डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ताकि इसके अंदर हम वैल्यूज को माइनस कर सकें। इसके लिए यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन के लिए यहाँ पे काउंट, और काउंट के अंदर यहाँ पे माइनस माइनस, फिर यहाँ पे हम सेमी कॉलन, और रिटर्न इसका भी हम कर देंगे यहाँ पे काउंट, रिटर्न इसका भी काउंट कर दिया। अब इस फंक्शन से गेन बाहर आ जाएंगे, और उससे हम करेंगे गेट काउंट, गेट काउंट और गेट काउंट का हम कर देंगे फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे और फंक्शन के अंदर सिंपली हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। सेव किया, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे क्रिएट काउंटर, क्योंकि हमने काउंटर क्रिएट करना है, और इसके अंदर हमने दो अलग अलग फंक्शन लगा दिए क्रिएट काउंटर। अब इस जो हमने वेरिएबल क्रिएट की इसको हम इक्वल करेंगे कॉन्स्टेंट इज़ इक्वल टू, सॉरी कॉन्स्टेंट नहीं, काउंटर इज़ इक्वल टू, काउंटर इज़ इक्वल टू क्रिएट काउंटर, जो ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किया क्रिएट काउंटर, उसको हमने नीचे कॉल कर दिया। अब इस काउंटर के बिहाफ पे हम इन सब को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से, हम यहाँ पे लेंगे कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर मैं काउंटर डॉट काउंटर डॉट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट किया, सेव किया, और मेरे पास वन आ गया। अब इसको मैं जितनी दफ़ा रिपीट करता जाऊँगा उतनी दफ़ा मेरी काउंटिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। ये हमारा एक सिंपल सा काउंटर बन गया। अब सेम अगर मुझे डिक्रीमेंट करवाना है, जिसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, दो दफ़ा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट आ रहा है वहाँ पे डिक्रीमेंट कर दूँगा, डिक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट कर दिया, ये मेरे पास आ गया वन टू, और फिर वन से ज़ीरो बैक आ जाएगा। जितनी इसके अंदर हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे, और जितनी दफ़ा हम इसको लगाएंगे इंक्रीमेंट, उतनी दफ़ा ये हमें वैल्यू बैक करेगा। अब लास्ट में हमारे पास रहेगा ये गेट अकाउंट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे लिखते हैं गेट अकाउंट को, और जितनी इसकी वैल्यू है वो सारी मुझे लास्ट में दिखा रहा है। यहाँ पे सेव किया, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी वन, क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसके अंदर ऐड ही करता जाऊँगा जिस तरह से थ्री फोर फाइव, और जो लास्ट की जिसकी इंक्रीमेंट की लास्ट की वैल्यू बनेगी वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, आठ यहाँ पे लास्ट बनी और मेरे पास लास्ट आठ ही आ गए। अब सेम अगर मैं यहाँ पे लगाऊँगा डिक्रीमेंट, जिस तरह से हम क्लिक करते हैं ना, क्लिक किया वन टू थ्री, फिर सेकंड क्लिक किया हमारे पास आ गया थ्री टू वन, काउंटर जिस तरह से हम बोलते हैं काउंटिंग, चाहे आगे को कर लें चाहे पीछे को, हम काउंटिंग इसकी कर सकें, इसे बोलते हैं क्लियर। इसको हम आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे और जाते हैं। आई होप आपको ये एग्जांपल की समझ आई होगी, तो मैं इसको यहाँ पे ऊपर डाल देता हूँ और एक और एग्जांपल देखते हैं क्लोयर की। अब क्लोयर की एक और एग्जांपल के लिए हम लगाएंगे एक फंक्शन। अब फंक्शन के ऊपर आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी। इसको हम देते हैं सीक्रेट मैसेज, सीक्रेट मैसेज, और सीक्रेट मैसेज के अंदर वेरिएबल लेते हैं, उसको नाम देते हैं सीक्रेट इज़ इक्वल टू आई एम अ सीक्रेट, आई एम अ सीक्रेट एक मैसेज दिया, और यहाँ पे इसी के अंदर एक रिटर्निंग फंक्शन लगाऊंगा रिटर्न, और फंक्शन फंक्शन के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको प्रिंट करवा देंगे सीक्रेट, सीक्रेट को प्रिंट करवा दिया। अब इससे बाहर आएंगे, इस फंक्शन से बाहर यहाँ पे काम और कॉन्स्टेंट लेंगे, इसका हम देंगे नाम रिवील सीक्रेट, के सीक्रेट को ज़ाहिर करो कौन से को, सीक्रेट मैसेज को, सीक्रेट मैसेज को, ये जो ऊपर हमने फंक्शन लगाया ना ये वाला, इसको यहाँ पे हम कॉल कर देंगे। सेव किया और यहाँ पे लगाया यहाँ पे। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो रिवील सीक्रेट फंक्शन है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लेंगे, यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे हमारे पास आ गया आई एम अ सीक्रेट, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट यहाँ पे लिखी वो मैंने इस के अंदर एक रिटर्निंग फंक्शन लगा के उसको इससे बाहर एक्सेस कर लिया। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं क्लोजर को समझने के लिए, बिल्कुल छोटी सी, जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन लूँगा, उसको नाम दे दूँगा सेटअप, और यहाँ पे सेटअप करने के बाद यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल को मैं नाम दे दूँगा मैसेज, कि कौन सा मैसेज प्रिंट हो, मैसेज मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे
अब उसके बाद सेट टाइम आउट के कितने टाइम आउट के बाद मेरे पास ये वाली फंक्शनैलिटी लग जाए, मैं सेट टाइम आउट और टाइम आउट के बाद यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के बाद यहाँ पे मैं इधर यहाँ पे कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर ये जो मैसेज है इसको प्रिंट करवा दो। और कितनी देर के बाद यहाँ पे इसको मैं दे दूँगा टाइम फ्रेम के 2 सेकंड के बाद मेरे पास प्रिंट हो जाए। सेव किया, आपके 2 सेकंड के बाद मेरे पास प्रिंट हो जाए। अब यहाँ पे सेटअप फंक्शन को यहाँ पे मैं नीचे कॉल कर लेता हूँ। अब सेव किया, अब देखेंगे 1, 2 और ये हमारे पास प्रिंट हो गया। अब इसको यहाँ पे कंसोल के अंदर भी प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर मैं सेम इस मैसेज को यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा। सेव किया, अब अगेन 2 सेकंड के बाद मेरे पास ये डाटा डिस्प्ले होगा। जिन 2 सेकंड के बाद मेरे पास फंक्शन वर्क किया, और वर्क करने के बाद मेरे पास उस फंक्शन के अंदर जो मैंने फंक्शनैलिटी लगाई थी वो परफॉर्म हो गई। आई होप आपको क्लियर की कंप्लीट समझ आई होगी कि क्लियर क्या है, इसके अंदर हम किस तरह से फंक्शन लगाते हैं, किस तरह से हम इसके अंदर वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं। इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।